एक बार की बात है, सुंदर सुंदर बादलों के बीच एक बहुत सुंदर परीलोक था। उस परीलोक में तीन शक्तिशाली परियां रहा करती थी। वह एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक जगह ही शादी की ताकि वह शादी के बाद भी कभी अलग ना हो। तीनों परियों का परीलोक में बहुत ही ज्यादा नाम था, क्योंकि वह शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा दयालु थी। वह सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती थी। ऐसे ही एक दिन परीलोक में गुरु माँ आती हैं। गुरु माँ, आपको देखकर तो मैं धन्य ही हो गई। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप बहुत समय बाद हमारे परीलोक में आई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। परीलोक को देखकर, परीलोक की खुशहाली देखकर, परीलोक की परियों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुमने मेरी दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। खुश रहो। लेकिन जहाँ तुम दूसरों को खुशियाँ बांट रही हो, वहाँ तुम तीनों के चेहरे पर खुशियाँ नजर नहीं आ रही। आखिर इस उदासी का क्या राज है? गुरु माँ, हम आपसे क्या ही छुपाएं? आपसे तो कुछ छुपा हुआ रह ही नहीं सकता। आपको पता है, हम तीनों परियां कभी माँ नहीं बन सकते। हमारी कोई संतान नहीं है और ना ही हम कभी माँ बन सकते हैं। बस यही दुख हम तीनों परियों को सताता रहता है, इसी वजह से उदास उदास रहते हैं। सभी मुश्किल का हल है और इस मुश्किल का भी हल मेरे पास है। यह लो, तुम तीनों परियों की अमानत। यह तुम तीनों परियों की बेटी है। क्या इस अमानत का ख्याल रख पाओगी? गुरु माँ एक सुंदर सी बेटी को तीनों परियों को देते हुए उनसे कहती है। तीनों परियां वह सुंदर सी प्यारी सी बेटी को देखकर खुश हो जाती हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि गुरु माँ एक बेटी को उन तीनों परियों को क्यों दे रही हैं। तभी सितारा गुरु माँ से कहती है, गुरु माँ इतना प्यारा बच्चा किसका है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना प्यारा बच्चा नहीं देखा। कितना ज्यादा सुंदर है। गुरु माँ आप इसे हम तीनों परियों को क्यों दे रही हैं? देखो यह प्यारी बच्ची अनाथ है। मैं पृथ्वी पर किसी काम से गई थी तो यह मुझे कूड़े कचरे में मिली। पता नहीं किस बदनसीब ने इसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। इतनी प्यारी बच्ची को भी क्या कोई फेंक सकता है? तुम तीनों इसका अच्छे से ख्याल रखना। तुम तीनों इसकी माँ हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आई थी। तुमने नीली चुड़ैल के बारे में तो सुना ही होगा। नीली चुड़ैल? नीली चुड़ैल के बारे में गुरु माँ कौन नहीं जानता। वह शैतानों की शैतान है, शैतानों की बादशाह है। वो पता नहीं कौन से चूहे के बिल में छुपकर बैठी है। उसने मेरे माता पिता को मारा है। उसके गंदे खून से तो मुझे ही अपने हाथ रंगने हैं। उसे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। बताइए गुरु माँ कहाँ है वो नीली चुड़ैल? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। शांत हो जाओ तारा परी, शांत हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। नीली चुड़ैल दोबारा वापस आएगी और वह परीलोक पर कब्जा करेगी। बस तुम्हें जो करना रहना है, अपनी आंखें खुली रखनी है और हाँ, इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है? गुरु माँ तीनों परियों को एक बेटी की जिम्मेदारी देकर चली जाती हैं। अनामिका के आ जाने की वजह से तीनों परियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। वह एक बेटी की तीन परी माँ थी और उसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख रही थी। तीनों परियां उसके साथ बगीचे में खेलने जाया करती थी, झील के पास जाया करती थी, उसे परीलोक के सुंदर सुंदर नजारे दिखाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अनामिका 6 साल की हो जाती है और वह सबसे ज्यादा सितारा परी से ही प्यार किया करती थी। मुझे आपके साथ बगीचे में खेलने जाना है। वहाँ के सुंदर सुंदर फूल देखने हैं, तितलियों के साथ खेलना है। प्लीज मना मत कीजिए ना, मुझे बगीचे में लेकर चलिए ना। मुझे बगीचे में जाना है, मुझे बगीचे में जाना है, मुझे बगीचे में जाना है, प्लीज लेकर चलिए ना। अरे मेरी प्यारी शहजादी बेटी, मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ बगीचे में खेलने नहीं जा सकती। अपनी तारा माँ से कहो ना, वो तुम्हें बगीचे में खिलाने ले जाएंगी। अगर उनके साथ नहीं जाना चाहती तो नायरा माँ के साथ चली जाओ।
नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके साथ जाना पसंद है, मुझे आपके साथ खेलना पसंद है, मुझे आपके साथ खाना पसंद है, मुझे आप पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी, ना ही तारा माँ के साथ और ना ही नायरा माँ के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। अनामिका सितारा परी से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी, क्योंकि सितारा परी उसे लोरी सुनाकर सुलाया करती थी, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी, उससे प्यार से बात करती थी, और तारा परी और नायरा परी कभी कभी उसके ऊपर गुस्सा कर दिया करती थी। और आज जब वह सितारा परी से बातें कर रही थी तो नायरा परी और तारा परी को यह सुनकर बहुत दुख होता है। देखा तारा परी, कहने के लिए ये हम तीनों परियों की बेटी है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा हक किसका है? सितारा परी का। और ये अनामिका भी तो सितारा परी से ही सबसे ज्यादा प्यार करती है, हमसे तो करती ही नहीं है। कभी कभी हम इसे डांट देते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बुरे हैं, हम भी तो इसकी माँ है, ये हमें पसंद क्यों नहीं करती? नायरा परी, कभी कभी तो मुझे भी थोड़ा दुख होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम तीनों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम तीनों दोस्त हैं, हमने एक साथ रहने के लिए एक जगह शादी की, और हम तीनों की प्रॉब्लम भी एक ही है कि हम माँ नहीं बन सकते। हम तीनों परियों को एक बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी मिली है, और इस बेटी की वजह से हम अपने बीच दरार नहीं डालेंगे। अगर अनामिका सितारा परी से ज्यादा प्यार करती है तो करने दो। तारा परी नायरा परी को समझा देती है कि एक बेटी की वजह से उन्हें अपनी दोस्ती नहीं भूलनी चाहिए, अपनी दोस्ती के बीच दरार नहीं डालनी चाहिए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन नायरा परी अनामिका के साथ कहीं जा रही थी कि तभी उसे एक आवाज़ आती है। नायरा परी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, अभी सवाल जवाब करने का समय नहीं है, मुझसे मिलने जल्दी आओ, ऊंचे पहाड़ वाली झील पर आओ। नायरा परी को समझ में नहीं आता कि यह आवाज कहां से आ रही है और कौन उसे अपने पास बुला रहा है, और वह अनामिका को अपने साथ ऊंचे पहाड़ वाली झील के पास ले जाती है, और वहां जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर नीली चुड़ैल नायरा परी का इंतजार कर रही थी। दुष्ट चुड़ैल, तूने मुझे यहाँ पर बुलाया? अरे हाँ, याद आया, तू तो परीलोक में कदम नहीं रख सकती ना, इसलिए तूने मुझे पहाड़ वाली झील पर बुलाया। देख, मेरे साथ बच्ची है, मेरा अभी तुझसे लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं, चली जाए यहाँ से, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैं अभी परीलोक में हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं तेरा अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इस बात से तू अनजान नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक काम से आई हूँ, मैं यहाँ पर तुझसे एक सौदा करने आई हूँ। कैसा सौदा? मैं तुझ जैसी नीली चुड़ैल से कोई सौदा वौदा नहीं करूँगी। अगर तू मुझे खरीदना चाहती है, मुझे अपने साथ मिलाना चाहती है, तो यह तेरी बेवकूफी है, क्योंकि हम तीनों परियां कभी भी अलग नहीं होंगे, मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगी, चली जाए यहाँ से। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, तुझे मासूम कहूँ या फिर बेवकूफ। अरे बेवकूफ कब तक दूसरे की बेटी को पालती रहेगी, इसका तो कोई अता पता भी नहीं है। गुरु माँ को कूड़े के ढेर में मिली थी, तो कूड़े के ढेर की लड़की को अपनी बेटी कहती है? ये तो तुझसे प्यार भी नहीं करती, वो सितारा परी से प्यार करती है। देख, अगर तू मेरे से हाथ मिला लेती है तो तू परीलोक पर राज कर सकती है। मुझे तो कुछ नहीं, बस परीलोक का ताज और ये अनामिका चाहिए। बता, तुझे मेरी शर्त मंजूर है? अगर मैं परीलोक की रानी परी बन जाती हूँ तो मेरे पास अद्भुत शक्तियाँ आ जाएंगी। अब हमारी शक्तियाँ तीन परियों में बटी हुई हैं। अगर मैं परीलोक की रानी बन गई तो मैं अकेले ही राज कर सकती हूँ, परीलोक के कानून बदल सकती हूँ। लेकिन मुझे नीली चुड़ैल पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? दुष्ट चुड़ैल, अगर मैंने अनामिका और परियों का ताज तुझे दे दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं परीलोक की रानी परी बन जाऊंगी? क्या तूने मेरे वादे के बारे में नहीं सुना? मैं कभी भी वादा कर पीछे नहीं हटती। मैंने वादा किया है तो क्या है, मैं तुझे परीलोक की रानी परी बना दूंगी। बस तुझे यह लड़की और ताज मुझे देना होगा, और कुछ नहीं। नायरा परी रानी परी के लालच में आ जाती है, और वह बेचारी मासूम 6 साल की बच्ची अनामिका को नीली चुड़ैल को दे देती है, और उससे
दास देने का भी वादा करती है। सितारा परी और तारा परी नायरा परी के इस धोखे से बेखबर, उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी दोस्त उनके पीठ पीछे छुरा घोपने की तैयारी कर रही है। शाम को जब नायरा परी अनामिका को अपने साथ नहीं लेकर आती तो सितारा परी उससे कहती है, नायरा परी अनामिका कहाँ है? मैं कब से उसे देखने के लिए तरस रही हूँ। जब तक उसे नहीं देखती मेरी आंखों को ठंडक नहीं पहुँचती। उसे देखकर ही मुझे सुकून मिलता है। कहाँ है अनामिका? हाँ हाँ नायरा परी, और तुम नजर झुकाकर क्यों खड़ी हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। अनामिका कहाँ है? कहाँ है अनामिका? तुम कुछ बता क्यों नहीं रही? अरे क्यों रो रही हो? क्या हुआ? नायरा परी तुम्हारी चुप्पी हमें परेशान कर रही है। कुछ तो कहो, आखिर अनामिका कहाँ है? तारा परी, सितारा परी, तुम दोनों तो जानती ही हो कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। मेरी जान बसती थी उसके अंदर। मैं अनामिका की कोई बात नहीं टाल सकती थी। उसका मन कर रहा था ऊंचे पहाड़ पर खेलने का, और मैं उसे मना ना कर सकी। और तुम तो जानती ही हो कि वो कितनी ज्यादा शरारती थी। नायरा परी, ये तुम थी कर कर क्यों बात कर रही हो? अनामिका है, वो कहाँ है? सितारा परी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से अनामिका हमें छोड़कर चली गई। मैं गुरुमा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बची। एक बेटी की रक्षा न कर सकी। यह देखो, उसे बचाने के चक्कर में मैं किस तरह से जख्मी हो गई। मेरे हाथ पैर से कितना खून निकल रहा है। अनामिका हमें छोड़कर जा चुकी है। वो पहाड़ से नीचे गिर गई और नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नायरा परी कह दो यह झूठ है। अनामिका हमें छोड़कर कहीं नहीं गई, वो हमारे साथ है। तुम मजाक कर रही हो ना? मुझे पता है तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं। तुम हमेशा हमारे साथ ऐसा ही मजाक करती हो। देखो, अगर तुम मजाक कर रही हो तो यह बहुत घटिया मजाक है। अनामिका कहाँ है? बताओ अनामिका कहाँ है? सितारा परी खुद को संभालो। नायरा परी की हालत देखो, वो कितनी ज्यादा जख्मी है। हमें अभी इसकी मदद करनी चाहिए। जो होना था सो हो गया। मुझे लगता है बच्चों का सुख हमारी जिंदगी में है ही नहीं। हमारी वजह से एक मासूम बच्ची हमें छोड़कर चली गई, हमारे श्राप की वजह से। तारा परी सितारा परी को संभालती है, लेकिन बेचारियों को कहां पता था कि नायरा परी उनके साथ छल कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है। किसी तरह वह इस सच्चाई के कड़वे घूंट को पी लेती हैं, और तारा परी नायरा परी के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। मरहम पट्टी करते समय वह देखती है कि उसके हाथों पर एक नीला निशान बन रहा है, और वह निशान नीली चुड़ैल का था। नीली चुड़ैल जिससे भी हाथ मिलाती थी, वह चुड़ैल का निशान उसके हाथ पर आ जाया करता था। यह देखकर तारा परी चौंक जाती है। नहीं नहीं, यह मेरा वहम है। नायरा परी नीली चुड़ैल से कैसे मिल सकती है? नहीं नहीं, लेकिन यह निशान तो यही बता रहा है कि नायरा परी नीली चुड़ैल से मिली है। यह निशान तभी किसी परी के हाथ पर आता है जब वह किसी से हाथ मिलाती है। कहीं नायरा परी नीली चुड़ैल से मिल तो नहीं गई? वो हमें धोखा तो नहीं दे रही? मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी। तारा परी को नायरा परी के ऊपर शक नहीं बल्कि यकीन हो जाता है कि वह उन्हें धोखा दे रही है, और वह उसके ऊपर नजर रखने लगती है। सितारा परी को भी नायरा परी के बारे में बता देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। नायरा परी ताश चुराकर नीली चुड़ैल को देने जा रही थी, तभी दोनों परियां भी उसका पीछा करती हैं, और वह ताज ले जाकर नीली चुड़ैल को दे देती है और उससे कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब मेरा वादा पूरा करो। मुझे परीलोक की रानी बनाओ। मैं जानती हूँ कि यह करना तुम्हारे लिए आसान है। जल्दी से अपनी सेना बुलाओ और मुझे परीलोक की रानी बनाओ। मुझे रानी बनना है। तुझे क्या लगता है कि मैं अपना वादा पूरा करूंगी? नहीं, कभी नहीं। तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तूने बहुत बड़ी गलती की है मेरे ऊपर भरोसा कर। और तुझे पता है तेरी बेटी, उसे मैंने बहुत संभाल के रखा है, क्योंकि वह मेरे बहुत काम आने वाली है। वह चुड़ैलों की सरदार बनेगी, मुझसे भी ज्यादा खतरनाक शैतान बनेगी। मुझे कब से ऐसे सुंदर बच्चे की तलाश थी जो पृथ्वी का हो और परीलोक में उसका पालन पोषण किया गया हो। और मुझे आसानी से ऐसी लड़की मिल गई।
दुष्ट चुड़ैल, तूने मुझे धोखा दिया। मुझे तुझ जैसी नीली चुड़ैल के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। तेरी वजह से मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया और अब तू इस ताज की मदद से हमारे ऊपर हमला करेगी, हम सब परियों को मार डालेगी, हमारे परी लोग पर राज करेगी। यह मैंने क्या कर दिया? अपनी बेटी से भी हाथ धो दिया, अपने दोस्तों को भी धोखा दिया और अब अपने परी लोग को भी खो दूंगी। यह मैंने क्या कर दिया? मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। नायरा परी को अपने के पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। चुड़ैल बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वह परीलोक के ताज की मदद से आसानी से परीलोक में प्रवेश हो सकती थी, वह आसानी से परियों को मार सकती थी। लेकिन तभी सितारा परी और तारा परी बहुत सारी परियों के साथ वहां पर आ जाती हैं, चारों तरफ से नीली चुड़ैल को घेर लेती हैं। नीली चुड़ैल, अब तो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी, तुझे तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगी। तूने बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ पर आकर इतने सालों से तू चूहे के बिल में छुपी बैठी थी। अच्छा हुआ कि तू यहाँ आ गई, अब मरने के लिए तैयार हो जा। परियो, यह गलती मत करना क्योंकि मेरे पास तुम्हारी मासूम प्यारी सी बेटी है। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी, इसलिए अगर अपनी बेटी की सलामती चाहती हो तो मुझे छोड़ दो। ये रही हमारी बेटी, हमारी बेटी हमारे पास है। जब तू नायरा परी से बात कर रही थी तब मैं अपनी बेटी को तेरी गुफा से लेकर आ गई और तेरे सारे साथियों को भी मार दिया है। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा और तेरे हाथ में जो ताज है वो नकली है, असली नहीं। नायरा परी हमें धोखा दे रही है, ये हमें पहले ही पता चल चुका था। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। सितारा परी और तारा परी और सभी परियां एक एक करकर नीली चुड़ैल को मारने की कोशिश करती हैं। नीली चुड़ैल बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, वो आसानी से मरने वालों में से नहीं थी। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद नीली चुड़ैल को मारने में सभी परियां कामयाब हो जाती हैं। तारा परी के माता पिता का बदला पूरा हो जाता है, वह अपने माता पिता की मौत का बदला नीली चुड़ैल से ले लेती है और अनामिका को महल में लेकर आ जाती है और नायरा परी को काल कोठरी की सजा हो जाती है। नायरा परी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम रानी परी बनने के लालच में एक मासूम की जान खतरे में डालोगी। मैंने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, उसकी माँ बनाया था और तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कर सकती हो? रानी परी बनने के लिए तुमने पूरे परीलोक की जान खतरे में डाल दी। तुम्हें तो काल कोठरी की सजा भी नहीं बल्कि मौत की सजा मिलनी चाहिए। जाओ काल कोठरी में, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। गुरु माँ नायरा परी को काल कोठरी की सजा सुनाकर चली जाती हैं। नायरा परी को उसके के की सजा मिल जाती है और अनामिका अपनी दो माँ के साथ खुश थी और अब तारा परी और सितारा परी अनामिका के साथ अच्छे से हंसी खुशी रहती हैं।